हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया एकदम फूले फूले से आलू की पूरी। बहुत ही जल्दी बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी फूली फूली और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। इसके साथ हम बनाएंगे मटर के छोले। ये भी बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी और दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इसे मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मटर के छोले बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप मटर ले लिया था और इसे रात भर फूलने के लिए डाल दिया था। सुबह इसे मैंने अच्छे से धो के और उबाल लिया है कुकर में 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि ये मटर जो है वो अच्छे से उबल जाना चाहिए। ये सफ़ेद वाला मटर है, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और एक यहाँ पे आलू उबाल लिया है, तो इसे हम आलू को ठंडा कर लेंगे अच्छे से, तब तक हम मटर के छोले बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डाल लेंगे तेल। तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1/4 से दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 ब्लैक पेपर, गोल मिर्च जो होती है काली मिर्च उसे डाल देना है। सारे खड़े मसाले चटक गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हमें प्याज को लाल होने तक भून लेना है। प्याज लाल हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज और टमाटर को भूनने टाइम में आप यहाँ पे नमक डाल सकते हैं, मैंने छोले को उबालने टाइम में ही नमक डाल लिया था। टमाटर को अभी हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। टमाटर जो यहाँ पे सॉफ्ट हो गया, अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले में हम डाल लेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप अदरक और लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहे तो तीखी मिर्ची भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ही जीरे का पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक भुनेंगे जब तक कि मसाले में से तेल ना छोड़ ले और मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन ना जाए। मसाले में से तेल छोड़ने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मटर को उबाल के रखा है। अगर आप मटर उबालने टाइम में अगर नमक नहीं डाले हैं तो अभी आप नमक डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मटर जो है थोड़े से खड़े खड़े लग रहे हैं, तो इस मटर का हमें थोड़ा सा मटर को हमें पीस लेना है। या तो आप मिक्सी में उसे डाल के पीस ले, यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पोटैटो मैसर और इसी से इस तरीके से इसे हल्का सा दबा दबा के हम मैश कर लेंगे, जिससे कि मटर जो है हमारा घुल जाए। इससे क्या होगी कि ग्रेवी जो है वो हल्की सी गाढ़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मटर को मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी ज्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ी देर और पका के जला सकते हैं, या फिर अगर आपको कम लगता है तो इसमें गर्म पानी थोड़ा सा मिला ले। सब्जी हमारी जो है मटर की वो खोलने लगी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा के हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में एक दो बार ढक्कन हटा हटा के हम चलाते रहेंगे, जिससे कि मटर जो है वो अंदर तले में चिपके नहीं। 5 मिनट हो गए इसे पकाते, अब इसमें ढेर सारा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे ग्रेवी जो है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और आलू की मसाला पूरी है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया जो आलू हमने उबाल के रखा था और अच्छे से ठंडा कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे, आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, हाथों से नहीं मैश करेंगे, नहीं तो आलू में जो गुठलियाँ रहेंगी उसके कारण हमारी जो पूरी है वो फूलेगी नहीं और एक तरीके से अच्छे से मिक्स नहीं होगी आटे में। तो यहाँ पे मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब इस मसाला पूरी को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि मसाला पूरी है तो इसमें हम कुछ मसाले डाल लेंगे, तो मसाले में हम डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ही तीखी वाली मिर्ची का पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर, यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर ले तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हम इसमें घी डाल लेंगे जिससे कि आटा जो है हमारा एकदम सॉफ्ट बने, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़े से अजवाइन, कलौंजी और अजवाइन जरूर डालें, इससे आपको पूरी जो है वो पचने में भी आसानी होगी और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। आटा जो है अगर ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में और थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर हमारा आटा जो है पूरी का वो गीला बनेगा तो, नहीं ज़रूरत लगेगी तो हम नहीं डाल सकते। डिपेंड करता है कि हमारा आलू जो है वो कितना आटा एब्जॉर्ब करता है, उसमें कितना पानी है। अच्छे से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारा आटा मिला लिया है, अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तो आप पानी भी डाल सकते हैं, नहीं अगर पानी की ज़रूरत नहीं लगे तो सिर्फ आप आलू में ही इस डो को गूंदे, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये हमारा पूरी के लिए डो बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा घी लेके और इसके ऊपर से लगा देंगे जिससे कि आटा हमारा सूखे नहीं, और इसे रेस्ट करने देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा हमारा ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं, जितनी बड़ी आप पूरी बनाना चाहें उतनी बड़ी आप लोई ले लें, आप चाहें तो इसके पराठे भी बना सकते हैं। ये मैंने पूरी के लिए लोई बना ली है। अब हमें पूरी बेल लेना है, तो चकला ले लेंगे, इस पे एक एक पूरी करते हुए 4 से 5 पूरी एक बार में बेल के रख सकते हैं जिससे कि हमें पूरी को फ्राई करने में आसानी होगी। तो थोड़ा सा सूखा आटा हमें लगा लेना है और इसे बेल लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 पूरी बेल ली है, अब इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो उसके लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें घी को गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पूरियां बेल के रखी है। अब हमें पूरी को अच्छे से फ्राई कर लेना है उलट पलट करते हुए, तुरंत ये फूल जाएगी, इस तरीके से हल्का सा दबा देंगे जिससे कि ये पूरी जो है अच्छे से फूल जाती है। तो पूरी हमारी फूल के तैयार हो गई है, पलट देंगे दूसरी तरफ से भी, इसे हल्का सा लाल होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी आलू मसाला पूरी बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें जितनी भी पूड़ियाँ बनानी हैं वो हम बना लेंगे। फ्रेंड्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जिससे कि मेरी वीडियो की रीच जो है बहुत आगे तक जाए। तो इसी तरीके से हम सारे मसाला पूरी फ्राई कर लेंगे। आप भी एक बार इस थाली को ज़रूर बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगती है।